ही खा सकते हैं, जो नहीं खाते वो ब्लेंडर या मैशर से आप मैश करके या ब्लेंड करके दे सकते हैं। तो खिचड़ी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।